कर्मचारी संघ के महामंत्री आशुतोष पांडे जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ पर माननीय मंत्री जी का स्वागत का कार्यक्रम होना है। आशुतोष पांडे जी, जरा बताइए कि आप अपनी तरफ से व्यक्तिगत हैसियत से स्वागत के लिए आए हैं या कर्मचारी संगठन के लोग भी आए हैं? संघ के लोग भी आए हैं हमारे साथ और हम स्वयं भी आए हैं जी। हमारी पूरी यूनियन के सभी लोग यूनियन की तरफ से स्वागत कर रहे हैं। क्या आप अपेक्षा करते हैं मंत्री जी से? मंत्री जी से भाई, हम लोग तो श्रमिक हैं, तो श्रमिक जो भी उसमें बदलाव किए जा रहे हैं या श्रमिकों के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं मंत्री जी, उनको करना चाहिए, यही करना चाहिए। क्योंकि कौशल किशोर जी पहले उत्तर प्रदेश में श्रम राज्य मंत्री रहे हैं, ये श्रमिकों की समस्याओं से अवगत हैं। निश्चित रूप से तमाम लोग आए हैं, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, सब लोग स्वागत के लिए आए हैं और स्वागत के लिए उमड़ा है जनसैलाब और आने वाले हैं मंत्री जी। हो रहा है उन्हीं का और विद्यालय चलिए माननीय मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं और गेट पर पुष्प अर्पित करने के लिए जो महिलाएं और जो बच्चे मौजूद हैं वो माल्यार्पण भी कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। जो लोग सामने खड़े हैं वो कृपया पीछे वालों को देखते हैं। माननीय मंत्री जी को साथ उड़ा रहा हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन को स्वागत कर रहे हैं श्री राम की। और उसके बाद माननीय मंत्री जी को माला पहनाएंगे श्री राम साहू जी, मुकुट लगाने के बाद पहनाइए और माला पहनाने के बाद श्री राम साहू जी सत्यम साहू शिवम साहू माननीय मंत्री जी को मुकुट धारण कराएंगे। ये ऐतिहासिक क्षण निश्चित रूप से भारत के इतिहास में एक सुनहरा दौर है। सामने से हाथ उठाए माननीय मंत्री जी को मुकुट धारण कराए। नारा लगाइए श्री कौशल किशोर, जिसका 50 साल से लोगों को इंतजार था, ये ऐतिहासिक क्षण है। माननीय मंत्री श्री कौशल किशोर ने मुकुट धारण किया है। उसी समय जो है वो तय कर दिया कि एक जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जाना है। 3 लोकसभा क्षेत्रों से होकर के जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं और अब अपनी लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र में कर चुके हैं। कल यहाँ पर अस्तित्व सोनी नगर में भी है, लेकिन आज राम भरोसे मैकुलाल इंटर कॉलेज में एक जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जो स्वागत समारोह है, जिसमें फिर से योगी जी की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए सभी लोगों को, क्योंकि जनता को हमारी सरकार सारी वो सुविधाएं देने का काम कर रही है, जैसे कि मुफ्त में राशन 80 करोड़ जनता को देने का काम कर रही है, 14 करोड़ जनता को गैस सिलेंडर चूल्हा दे दिया, 1 करोड़ लोगों को और देने जा रही है हमारी सरकार,
50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दे रही है। अभी और लोगों को जिनको बाकी है, गरीब है, उन लोगों को भी मुफ्त में इलाज देने का काम करेगी। इसी तरह किसानों को 6000 रुपए साल में किसान निधि सम्मान दे रही है। एक साल में सबको आवास मिल जाएंगे जिन लोगों को राशन आवास नहीं है। हमारी सरकार और योगी जी की सरकार जो है इसी तरीके से गरीबों की शादी में, लड़कियों की शादी में 20,000 रुपए और लड़के अगर सामूहिक शादी करते हैं तो उसमें भी 51,000 रुपए दे रहे हैं। मजदूरों में 75,000 राजधानी में मंत्री और मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, क्या ऐसे चुनावी जुगल समझा जाए? हमारी पार्टी सेवा ही संगठन है के तहत काम करती है और हर समय चुनावी की तैयारी में रहती है। और चुनाव को विपक्ष पताश करने का काम कर रहा है, लेकिन हमारी पार्टी हर समय जनता के बीच में काम करती है, करती रहती है। जो चुनाव आता है तो चुनाव लड़ती है। माननीय मंत्री जी, डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई के क्या इसे केवल डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और वो इसलिए कि ना तो रेल चल रही थी कोरोना पीरियड में, ना हवाई जहाज चल रहे थे, ना पटरियाँ चल रही थी, दुकानें भी बंद थी, कहीं से भी कैश आने का काम नहीं था, केवल डीजल और पेट्रोल का। उसके बाद भी हमारी सरकार सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन दे रही थी और लोगों का मुफ्त में इलाज कर रही थी। इसके अलावा जो कोरोना से पीड़ित थे उनका भी इलाज कर रही थी, 50 करोड़ जनता का मुफ्त में इलाज कर रही थी और 80 करोड़ जनता का मुफ्त में राशन देने का काम कर रही थी। आज फिर मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। वो कहीं से भी जो टैक्स आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए, इसलिए कि जो है जो संसाधन जुटाने चाहिए थे उसके लिए जो धन की जरूरत थी वो कहीं से मिल नहीं पा रहा, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम थोड़ा सा बढ़े हैं। और इसलिए जो है पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो आने वाले समय में धीरे धीरे करके जो है जैसे ही कोरोना से पूरी तरह से निजात पाएंगे वो कम भी हो जाएंगे। खाद के दाम क्यों बढ़ा? हाँ, खाद सरसों का तेल हो गया आपका, रिफाइंड हो गया, इसके दाम क्यों बढ़े? देखिए ये तो अपने स्तर पे लोग सरकार के स्तर पे इनके दाम नहीं बढ़े हुए हैं और सरकार जो है आप देख रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। ये सारी चीजें ये जो दे रही है हमारी सरकार, ये आने वाले समय में धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगी। और इस समय जो है कोरोना से देश के लोगों को बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है सरकार की तरफ से भी और हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है इस समय लोगों की जान बचाने में जो भी सरकार की मदद कर सकते हैं करें। माननीय मंत्री जी, एक छोटा सा सवाल है। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी महाराजा दिल्ली पार्टी के लिए पढ़ाए थे और उन्होंने कहा था कि माननीय कौशल किशोर जी और स्थानीय मंत्री स्वाति सिंह जी इसके सौंदर्यीकरण के बारे में काम करेंगे। यहाँ पर पूरा जंगल खड़ा हुआ है महाराजा दिल्ली पार्टी के लिए, पर इस पे आपका प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे या कैसे उसका सौंदर्यीकरण करेंगे? महाराजा बिजली पासी जिले का पूरी तरीके से उसका प्रोजेक्ट बन चुका है और इस संबंध में मेरी कई बार मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है और पर्यटन विभाग में भी इसकी वार्ता हुई है और शीघ्र ही जल्दी ही उसका फिर से एक बढ़िया पर्यटन स्थल बनाने के लिए पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ही उसका शिलान्यास का काम करेंगे। जनता को महंगाई से निजात कब मिलेगी? महंगाई नहीं है जनता के बीच में, मैंने कहा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं वो जल्दी ही घट जाएंगे जैसे ही कोरोना से हमको सबको निजात मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।